नहीं नाना वो मैं तो आपको तैयार होके अच्छी लगती हूँ ना। नहीं, बस। नहीं आप मुझे बताएं मैं तो अच्छी लगती हूँ ना। नहीं बताए ना नाना नबू ना नबू मेनू आम ना ओदा अच्छी है। अच्छा आपकी अपनी बेटी तैयार हो गई अच्छी लगती है? सलवार कमीज ही अच्छी है। नानो को करारा अच्छा लगता है? नानो ने पापा ए भी साथ ए भी नू ने तब फेरा क्या थी। अच्छा पा, नहीं पाया लेकिन ने नहीं पाया शुरुआत में। ठीक है वो पहन के मैं पोड़ी पोड़ मैं कह ना पहन लेती पैंट मैं नहीं पोड़ी। क्यों ना जब की फायदा थी जब मैं पानी रहेगी तो फिर फायदा की होगा पाउन का दिखा के कहीं फोटो लेना तेरा पैंट पा के कनेडा नहीं जाना फिर कनेडा नहीं होना जाना बेटा नहीं जाना कितने नहीं जाना हूँ सवाए फैसलाबाद तो कितने नहीं जाना मेरे कोल भी आ जाना जहाँ छत्तर है जहाँ फैसलाबाद मेरे कोल भी आ जाना क्यों आ बस मिल जान मिलना ही होता ना बेटा हाँ मिलना अलैकुम जी। चलें जी अब व्लॉग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या। हुआ मेरे साथ ये कि मैंने 2 महीने पहले एक सूट दिया था बनने के लिए मेहंदी का और उस डिज़ाइनर ने सिया ही नहीं। तो मुझे मेहंदी वाले दिन 1 बजे मैं उसके पास गई हूँ, 4 घंटे बैठ के सूट सिलवाया है और फिर पहना है। एडा जलील के तो मैंने चलो कोई गल नहीं, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, इसलिए मैं उसका नाम भी नहीं बताऊँगी। ये जी मैं वहाँ बैठ के फिर थोड़ी सी फोटोग्राफी कर रही थी, मैंने कहा चलो कोई गल नहीं तो नहीं दस दवाँगी वीडियो बना के। अब जो सूट रेडी हुआ वो जी ये था। अच्छा जी सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ आज का सूट कौन सा है। ये शर्ट है, ठीक है। गले का काम भी मैं आप लोग को पास से दिखाती हूँ। फातिमा तुम्हें पता है मेरे 3-4 चारों दिन के सूट एक ही कॉम्बिनेशन के ऑलमोस्ट हो गए हैं। और ये नीचे से घिरा है और इसके बाजू ये है, ठीक है। इसके साथ मैंने चलाया अपनी मेहंदी का दुपट्टा। मेहंदी का दुपट्टा पिंक था और पिंक ये फूल, ठीक है। इसके साथ कॉम्बिनेशन अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ सारा सब कुछ रख के ना। ये कुर्ती है और पीछे से ये इस तरह का छट्टा डलवाया, ठीक हो गया। अब मैं आप लोग को इसका दिखाती हूँ नीचे जो शरारा सिलवाया। अच्छा जी ये है उसके साथ का शरारा, ये इधर से तंग है थाई से और ये इस तरह का है। ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा है, ये बहुत प्यारा लगता है। मैं आप लोग को पास से दिखाती हूँ,
नाम मुझे इसका नहीं पता, ऑर्गेन्जा मसूरी समथिंग करके इसका कोई नाम है, और नीचे लेस लगाई है गोटे की। ठीक हो गया, अब बारी आती है दुपट्टे की। ये इसका दुपट्टा है, ये मेरे मेहंदी के सूट का जो मैंने अभी मेहंदी मेकअप किया था उसके साथ भी ये लिया हुआ था, और इसके साथ भी मैंने इसी का कॉम्बिनेशन चलाया है। ये देखें जी, ये हो गया नीचे ये दुपट्टा, और ये इसकी कुर्ती, ये कॉम्बिनेशन है। अब पहनते हैं तो देखते हैं कैसा लगता है। अच्छा जी, ये इसके साथ ज्वेलरी है, ये इयररिंग्स हैं, और ये टिक्का है। ये देखिए बहुत खूबसूरत। बाकी जी मैं आप लोग को डिटेल्स बताऊंगी इंस्टाग्राम पे, अगर पिक्चर्स मैंने खींची तो लगाऊंगी। और ये फ्लैश में ड्रेस है। चलें जी अब मेकअप करते हैं। हाँ जी, अब जी मेकअप शुरू करते हैं। कुर्ती पहन ली है, और ये काम इतना फंस रहा था, हर किसी के साथ फंसा जा रहा था। और जो आज मैं मेकअप इस्तेमाल कर रही हूँ, मिस रोज़ का मेकअप इस्तेमाल कर रही हूँ। मिस रोज़ का सारा ही मेकअप अच्छा है, बुरा उसका कुछ भी नहीं है। और जो ओरिजिनल आप लोगों ने कोई भी मिस रोज़ की चीज़ें लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हैं, और मेरा कोड भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँगी। ये मिस रोज़ का हमने प्राइमर इस्तेमाल किया, उसके बाद ये मिस रोज़ का कंसीलर, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। ये मैंने आइवरी में अप्लाई किया, आइवरी 6 में कंसीलर। ठीक है, ये आप लोग को शेडो इसलिए लग रहा होगा, अपने घर नहीं तो खड़ी होकर मेकअप कर रही थी तो नीचे लाइट रखी हुई थी हुसन के लिए, वो ज़्यादा ही हुसन फैला रही थी तो बस इसलिए शेडोज़ आएंगे आप लोगों को नज़र। उसके बाद मिस्ट रोज़ की न्यूड पैलेट है, ये इसका पिगमेंट भी बहुत अच्छा है। इसके साथ जी ये वाला शेड उठाएंगे, और अब आई मेकअप हम करना शुरू करते हैं। ये जी ब्रश नीचे गिर गया, यह गिराना है इसके बगैर आई मेकअप अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ये डार्क ब्राउन के साथ हम लोगों ने अपनी आईब्रोज फिल कर ली। अगर आप लोग के बाल ना काले तो डार्क ब्राउन और हल्का सा ब्लैक का टच मिक्स करके आईब्रोज फिल कर लिया, अगर टोटल ब्लैक के साथ नहीं करना। उसके बाद जी हम लोगों ने मिस रोज़ का जी ये लिया लूज़ पाउडर, और हमने अपनी आंखों को सेट कर दिया। लूज़ पाउडर इसलिए सेट किया कि क्रीज़ ना बने, क्योंकि डार्क शेड इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने अप्लाई करना था, फिर क्रीज़ बन जाती है। ये हमने अप्लाई कर दिया, जो एक्स्ट्रा था हमने झाड़ दिया। उसके बाद ये वाला शेड उठाया बिल्कुल लाइट सा, इससे हम अपनी बनाएंगे, क्या बनाते होते हैं वही, हाँ क्रीज बनाएंगे। ये देखिए जी हमने इससे इसको ट्रांजिशन शेड को हमने सारा अच्छी तरह लगा दिया। उसके बाद ये डार्क ब्राउन कलर लेंगे, डार्क ब्राउन कलर को अप्लाई करेंगे। ये पता क्या होता था, पहले मैं सबको रेडी करती थी, सबके बाल बनाती थी, और एंड में मेरी बस हुई होती थी, मेरा हिलने का दिल नहीं करता था। और फिर अपना मेकअप करती थी, फिर रिकॉर्ड करती थी, फिर लाइटें सेट नहीं होती थी, फिर खड़े होकर करती थी, फिर ईमान होना शुरू हो जाती थी। एड्डा स्यापा पे हूँ, वेखो ज़रा हूँ, तुझ तो अनु की सुस्ती चढ़ी हुई है, तुसी तो उठ के बैठो चलो शाबाश, ऐ हुई ना गल। अच्छा अब ये जी हम लोगों ने ब्राउन कॉर्नर्स कर दिए, ये देखें। अब हम लोग ने ये मिस रोज़ का ये हाईलाइटर था, ये हाईलाइटर पैलेट भी बहुत अच्छी है। ये देखें अब आप लोगों को नज़र आ रहा हो कैसे इसने पॉपअप कर दिया आँखों को। ये जी हमने दोनों आंखों के अंदर हाईलाइटर फिल कर दिया। उसके बाद ये मिस रोज़ का ब्लश था, ये नॉर्मल था, बाकी सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इससे ना वो ठा वाला पिंक नहीं आ रहा था। जिनको बहुत लाइट सा ब्लश चाहिए ना, उनके लिए बहुत अच्छी पैलेट है। मुझे चाहिए होता है मेरी गर्ल ने पिंक हो पिंक हो, इसलिए मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मुझे बहुत पिंक सा चाहिए होता है। जिनको सटल सी लुक चाहिए होती है वो उनके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, अब हमने नीचे कर दिया। अब हमने लाइनर लेने, मिस रोज़ का लेने, बहुत इजी टू अप्लाई, बहुत ज़्यादा मिस रोज़ के जो लिक्विड लाइनर है ना उससे अच्छा मुझे पेन लाइनर लगा था। बहुत इजी टू अप्लाई, फ़ौरन ड्राई हो जाता था और फैलता नहीं था। बिल्कुल बारीक सी लेयर लगा लेनी है, ताकि जब लैशेज़ लगाएंगे ना तो हमारे फैले ना। ये देखिए जी हमने बिल्कुल बारीक सी लेयर लगा ली है। अब हमने क्या करना है, ये वाला शेड उठाना है, उठा के हम लोगों ने आँख के ऊपर ये इस तरह लाइनर को जो ब्लैक लगाया ना उसके साथ स्मज कर देना, ताकि ब्लैक ब्लैकी ब्लैकी सा ना लगे, ब्लैक ब्राउन में मिक्स हो जाए। उसके बाद मिस रोज़ की ये हमने ली ग्लू, जिससे ग्लिटर ग्लू है, थोड़ी सी लगाएंगे। और ये मेरा ख्याल रिवाज कॉस्मेटिक्स का ग्लिटर था, ये मैंने हल्का सा टैप टैप कर दिया, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा था लगा हुआ, वाइटी वाइटी सी लुक दे रहा था, फिर मुझे इसको चेंज करना पड़ गया था। उसके बाद मिस रोज़ की पेंसिल है, ये न्यूड वाली पेंसिल भी, और ये वाइट पेंसिल ज़बरदस्त पेंसिल है, बहुत अच्छी। मुझे न्यूड ज़्यादा अच्छी लगी, वो आंखों में स्टे बहुत ज़्यादा करती है। उसके बाद ये मिस रोज़ की फाउंडेशन अप्लाई करूँगी मैं, ये मिस रोज़ की फाउंडेशन ली। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं सारा, और इसको स्मज करते हैं। अच्छा, जो लोग पूछ रहे थे ना किसकी शादी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की भाई की शादी है,
हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं चार, हमारी चारों की अम्मियाँ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम चारों के अब्बू बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो इस तरह फैमिली से ज़्यादा हमारा क्लोज रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है, दोस्ती है ना, रिलेशनशिप तो नहीं होता तो बाकी रिश्तेदार तो हमारे है ही कोई नहीं, जो हैं भी वो बुस्से साढ़े रहते हैं, तो ना असी उन्होंने बुलाते ना वो सानू बुलाते, अल्लाह ना तो खैर सल्ला। ये जी अब हमने कंसीलर लगा दिया मिस्टर रोज़ का, फाउंडेशन भी अप्लाई कर दी हल्की हल्की, उसके बाद इसको हम ब्लेंड कर देंगे और जो लूज़ पाउडर था ना हल्का हल्का उसको मैंने लगा देना है। अब सब मुझे छेड़ रहे थे ये कर दो वो कर दो, बार बार मुझे वीडियो ऑफ करनी पड़ रही थी। अब ये देखें जी, जो ब्लश था ना उसके अंदर से जो शेड था रस्ट, उसके साथ मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, ब्राउन अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, हमने डायरेक्ट ब्राउन अभी यूज़ नहीं करना। फिर हमने कॉन्टोरिंग किट उठाई, इनकी कॉन्टोरिंग किट अच्छी थी, और अब हम इसको कॉन्टोर करेंगे। ये देखें नीचे से कॉन्टोर करेंगे। जब आप लोगों ने थोड़ा सा हैवी ड्रेस पहनना हो ना तो आप लोगों ने कॉन्टोरिंग करनी है रस्ट से या डल ऑरेंज से, आप लोगों ने यहाँ पे ब्राउन इस्तेमाल नहीं करना, और फिर उसको यहाँ लाइट पिंक से लेके हमने ब्लश लगा देना है, और हाइलाइटर पैलेट से हमने हाइलाइटर अप्लाई कर दिया, उसके बाद हाइलाइटर अप्लाई कर दिया, यहाँ भी अप्लाई कर दिया, जहाँ जहाँ दिल करते हैं हाइलाइटर अप्लाई करते हैं। अब हम लिपस्टिक लगा रहे हैं मिस्टर रोज़ की लिपस्टिक्स। अच्छा, मिस्टर रोज़ की जो लिक्विड लिपस्टिक्स है ना वो नहीं इतनी अच्छी, वो चिपचिप करती हैं होंठों पे, जो ये वाली लिपस्टिक्स है ना ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, ये स्मूथ भी थी और ये चिपचिप नहीं कर रही थी। लिक्विड ना लीजिएगा, अगर लेनी हुई तो ये वाली बहुत अच्छी है, इस तरह की लिपस्टिक्स लीजिएगा। अब चले ज्वेलरी पहनते हैं, ट्राईपॉड मेरा किसी ने ले लिया था तो फिर मुझे ना इस तरह ही करना पड़ा था। सबसे पहले मस्कारा अप्लाई करते हैं, ये मस्कारा अप्लाई कर दिया, एक तरफ मेरी मम्मी है और एक तरफ मेरी बहन है छोटी। अब ये जी हल्की सी बैक कॉमिंग करके पहले टिक्का लगाऊंगी, और दुल्हन तो मैं बन गई थी चाह सारे पूरे करते हैं अपने, चाह सबको पूरे करने चाहिए यार, जो दिल किया करे ना, जिस तरह अपने आप को कंफर्टेबल लगा करे किया करो। ये देखिए जी, हम लोगों ने टिक्का फिक्स कर दिया यहाँ पे हल्की सी बैक कॉमिंग करके, और यहाँ पे अब हम पिन लगा देंगे। टिक्का बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा, बड़ा डिफरेंट सा था और बड़ा प्यारा सा। मैंने पोस्ट लगा दी इंस्टाग्राम पे, आप लोग देख लीजिएगा, मैंने टैग कर दिया। अच्छा, इनको ऑर्डर दिया था मैंने महीना पहले ऑर्डर दिया था, इनको महीना पहले ऑर्डर देना पड़ता है। ये जी अब हम लोगों ने बाल सेट कर दिए, लट्टे पहले निकालनी ताकि बाद में लट्टे फिक्स हो जाती हैं ना पिन के साथ, वो फिर ख़राब निकलते हैं। अब जी हम पहनते हैं एयरिंग्स, एयरिंग्स भी बहुत माशाल्लाह प्यारे थे, बड़े अच्छे लग रहे थे पहने हुए। ये अब हम लोगों ने एयरिंग पहने, कान लेकिन टूट गए थे, शकीनी पहले करना दिखाया रहा। हाँ जी, ये देखें जी टिक्का कितना प्यारा लग रहा है, ड्रेस कंप्लीट पहन लिया है, रिंग्स पहन ली हैं, ये मेरा भाई है फैसल, ये मुझे जज्बात आ गया था फंक्शन शुरू, चले जी फंक्शन एंजॉय। हाँ जी, चलें जी, हसन भाई की मेहंदी आप लोगों ने देख ली, अब आती है बारात उनकी। अब जी बारात के लिए रेडी होते हैं। जो मैंने साड़ी पहनी हुई थी ये इंडिया से आई थी, शादी पे मेरी सास अम्मी की दोस्त ने दी थी, तो अब मैंने सिलवाई है। ये जो इयरिंग्स हैं ये मैंने पोस्ट कर दिए हैं, नहीं पोस्ट नहीं किए, मैं आप लोगों को बता दूंगी स्टोरी में ना जब ये वीडियो पोस्ट करूंगी। चलें जी फंक्शन थोड़ा सा एंजॉय करें, फिर ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं।
चलें जी बाल बांध लेते हैं और मेकअप शुरू करते हैं। ये जी बाल बांध लिए हैं और लाइट नीचे रख दी थी। सबसे पहले जी ये मैं यूज़ कर रही हूँ एडीएस का सीरम था ग्लोइंग, मेरा ख्याल है। ये मैंने इधर अप्लाई कर दिया। ये बहुत अच्छा है ऑयली स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वालों को इतना अच्छा काम नहीं करेगा, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा है। ये हमने अच्छी तरह ग्लोइंग सीरम अप्लाई कर दिया। इसको हम करेंगे अच्छी तरह एब्जॉर्ब स्किन के अंदर ताकि बेस हमारी बहुत स्मूथ लगे। ये जी कर दिया एब्जॉर्ब। अच्छा एडिटिंग होती है ना, देखो एडिटिंग होगी, ब्राइटनेस होगी और नीचे लाइट पड़ी होती है, प्राइमर लगा रही रिवाज का, तो फिर भी पोर श्योर सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। आप लोगों को लगता है स्किन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं होती, सारे एडिटिंग का, ब्राइटनेस तेज़ हो जाती है, एडिटिंग हो जाती है, रिंग लाइट पड़ी होती है, 14 तबक रोशन होते हैं कमरे के, इतनी लाइट्स थी। मैं अपनी बहन के घर तैयार हुई थी तो उसका माशाल्लाह घर में लाइट्स बहुत है, तो सारा उसका कमाल होता है। तो अब देखें जी, ये हम लोगों ने प्राइमर अप्लाई कर दिया। अब बारी आती है, अच्छा ये जो वन की है ना, दा वन की फाउंडेशन, ये भी अच्छी फाउंडेशन है। ये मेरे ख्याल ओरिफ्लेम की है ना, दा वन ब्रांड, और इसके अंदर हम मिस रोज़ की फाउंडेशन मिक्स करेंगे। ये देखें जी, ये मिस रोज़ की फाउंडेशन भी बड़ी अच्छी है। उसके बाद ये हम लोग ब्रश की मदद से सारे मुँह पर अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, गर्दन पे भी अप्लाई कर देंगे। अच्छा जो मैंने ये वाला कलर पहना था ना पीचा, इसको हैंडल करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। उफ ये पीच कलर नहीं अच्छा, पीच कलर कोई ना बनवाए साड़ी देख के ना, गोल्ड बना ले, डल गोल्ड बना ले, ब्राइट गोल्ड बना ले, सिल्वर बना ले, पीच कलर को संभालना बहुत मुश्किल है। इतना ना मेकअप कोई उठ रहा था, ना लिपस्टिक कोई उठ रही थी, और ना फोटो कोई चंगी आ रही सी। तो मैं क्या हूँ बना लिया, हूँ की कर सकते हैं, थोनों मना कर देवगी तुसी ना पाना, मतलब पहन सकते हैं लेकिन बड़ा मुश्किल हैंडल करना है इसको। वो मिस्ट्रेस की पैलेट ली, बड़ी अच्छी पैलेट है ये, हल्की फुल्की सी। ये जी अब हम मेकअप शुरू करते हैं। बड़ी डल सी साड़ी थी तो मैंने कहा था हल्का सा ब्राइट सा मेकअप करूँगी ताकि आंखें उठ के आएँ और साड़ी बैठ के आए। ये हम लोगों ने पिंक और रस्सा, ये मेरी बहन के बच्चे लगे हुए थे मेरे सब पंगे करने के लिए। मैंने कहा करी जाओ यार, हूँ मैं थोड़ा की कहाँ पहन दे, कर खड़ी हैं, दो ला भी नहीं सकती हूँ। ये हम लोग ने अब ये वाला शेड लिया, ठीक है, ब्राउनी सा, और ये अब हम लोगों ने इधर अप्लाई कर दिया क्योंकि हमने ग्लिटर अप्लाई करना था। ग्लिटर अप्लाई करने से पहले कोई ना कोई शेड नीचे लिड पे लगाना ज़रूरी होता है। पहले हमने जो साड़ी का है ना, दो टोन डार्क शेड अप्लाई किया ऊपर। अच्छा अब ये फॉक्यूलर की है हाईलाइटर पैलेट, इसका थोड़ा सा हाईलाइटर लिया और ये हमने ब्रो बोन को हाईलाइट कर दिया। ठीक हो गया, अब बारी आती है, अब बारी आती है, किसकी बारी आती है, ये है द लैश द समथिंग सब पता नहीं है, मैं भूल गई हूँ। ये उसकी आईब्रो जेल थी, इसके साथ अब हम आईब्रोज़ बना लेते हैं अपनी हल्की फुल्की सी, और फिर इसी के साथ हल्का सा ना लाइनर का टच दे दूँगी मैं इसी के साथ ही। ये देखिए हल्का हल्का साइड से लैश के साथ साथ ही ना, बस हल्का हल्का, क्योंकि मुझ पर लाइनर सूट ही नहीं करता, काला तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। ब्राउन लगा लूँ, डिफरेंट कलर्स का लगा लूँ, उसके बाद ये मस्कारा जो मुझे नहायत ना पसंद है लेकिन उतर जाता है बेचारा, अच्छा है शरीफ सा, हर जगह मेरे साथ जाता है, इतनी दूर सफ़र करके आया। ये अब हम लोगों ने मस्कारा लगा लिया। अच्छा अब जब लैशेज लगानी है ना, लैशेज़ का मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने दोनों तरफ से दो दो ना जो इसके स्ट्रैंड्स होते हैं ना काट देने हैं, ठीक है, और आधी लैशेज लगानी है आपने। ये देखें जो ये लैशेस है ना, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए हम लोगों ने इतनी काट देनी है और वो वाला पीछे वाला साइड लगानी है, ठीक है। इससे क्या होता है, पूरा फंक्शन में आपको इरिटेशन नहीं होती। अच्छा लैशेस में लैश ग्लू लगा दी थी तो वो थोड़ी देर ड्राई हो रही थी, तो उतनी देर मैं कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ। पिंक के साथ ही कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, ब्राउन मैंने यूज़ नहीं किया। ये देखें थोड़ी सी अच्छी सी कॉन्टोरिंग करके इसको ब्लेंड करेंगे हम लोग, और नीचे हम ब्राउन करेंगे, फिर इस पिंक को हल्का सा ब्राउन के साथ मिक्स कर देंगे। वो ना फिर मुंह काला लगना शुरू होता है, 4-5 घंटे मेकअप रखना होता है, फिर मुंह को ना वो थोड़ा सा मुरझा सा जाता है। तुसी दसो तुसी की कर रहे हो। ये हमने मैंने शदीद सारा ब्लश ऑन लगा लिया, जितना मैं शदीद लगाती होती हूँ, और ये देखें जी टेंट के अंदर ब्लश ऑन थोड़ा सा मिला लिया था। उसके बाद अब मैं क्या ढूँढ रही हूँ, हाँ लैशेस देखें ना, लैशेस के ऊपर ग्लू लग गई थी। अब ये लैशेस अप्लाई करने की बारी है, काट के लगानी है आपने, क्योंकि कॉर्नर से ही लैशेस नज़र आती हैं कॉर्नर्स में ना। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, ये देखें 2 मिनट का काम है, लैशेस फ़ौरन फिक्स हो जाती है कॉर्नर पे। अब जब इधर वाले कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर हम लाइनर लगा देंगे
और हमारी लैशेस बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी। जिनको लैशेस लगाना मुश्किल लगता है और इरिटेट करती हैं ना मेरी तरह, तो उन्होंने क्या करना है, काट लेनी है लैशेस और फिर अप्लाई करनी है। अब इनर कॉर्नर्स पे हम डार्क शेड को अप्लाई कर देंगे और अब हमने ये वाला ग्लिटर लगाना है। अच्छा, ग्लिटर जो है ना लैशेस लगाने के बाद लगाना है, जब लैशेस से पहले लगा लेंगे लैशेस चिपकेंगे नहीं, दरमियान में सिर्फ हल्का सा पॉप 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 करेंगे और हल्का सा, ये जी डन, और ये जी डन। अब मैं कॉपीराइट के चक्कर में पहले वीडियो अपलोड करूँगी, फिर आधे घंटे इंतज़ार करूँगी, फिर पब्लिक करूँगी, कॉपीराइट आ गया तो फिर ऐसी कोई और जुगाड़ लावांगे, कॉपीराइट नहीं आया था बल्ले ही बल्ले। ये देखें जी, उसके बाद ये मिस्टर उसकी न्यूड पेंसिल है, बहुत बहुत प्यारी पेंसिल है ये। ये देखें आँख में कैसे लग रही है, बहुत स्मूथली लग रही थी आँख में, बिल्कुल इरीटेशन नहीं दे रही थी। हाँ जी मैं लिपस्टिक लगाती, फिर मेरी मम्मी का ऑर्डर आ गया, पहले मेनू तैयार कर दे कुड़िए। मैं बैठी हूँ, अब जी मम्मा को तैयार करते हैं। इधर मैं किसी से लड़ रही थी, ट्राईपॉड हिलाई जा रही थी, टांगे मारी जा रहे थे। अब मम्मा के बाल बनाते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को फाइनल लुक साड़ी पहन के दिखाती हूँ, ठीक है। ये जी बाल बना रही, मैं मम्मा से कह रही थी कितने पैसे मुझे देने हैं, 4-5 दिन के आपके मैंने बाल बना दिए हैं, 2-2 हज़ार के बाल और 6-6 हज़ार का मेकअप। ये जी मम्मा के बाल बना रहे हैं, साथ साथ हम बातें कर रहे थे। हाँ जी चलें जी, साड़ी हमने पहन ली है, ये जी इयररिंग्स थे और ये हम पहन लेते हैं। इंस्टाग्राम पे पेज है रेमा लुक्स, रीम बाय रेमा लुक्स के नाम से, वहाँ से ऑर्डर किए थे, 1 महीना पहले ऑर्डर करने पड़ते हैं। और ये हम लोगों ने चोकर पहन लिया है इसका, ये देखिए ठीक हो गया, क्लिप हमने उतार दिया। उसके बाद बारी आती है फाइनल लुक की, ये कर्ल ज़्यादा ही ऊपर उठा के हो गए थे, तो अब मैं आप लोग को फाइनल लुक दिखाती हूँ साड़ी पहन के। ये है जी फाइनल लुक, चलें जी अब दोबारा फंक्शन एंजॉय करते हैं। वाली गाड़ी अब ये रुकती होने वाली है, चलो जी हम चलते हैं। ये मेरे को साड़ी उठाई है, अंकल की शादी है जाते हैं।